सच नहीं, औरत हमारा नाक का घाव बनती जा रही, और अभी और नौटंकी की बहुत हो गई, हमसे और नहीं होगा। चलो सब कुछ यहां खुल के होगा, आज से इस घर का नियम बदल देंगे हम, या तो ये खुद बदल जाए नहीं तो हम तो बदल देंगे। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे हम सीधा कर देंगे इनको एकदम, और फिर सारे नियम हमारे घर के हिसाब से होंगे। हाँ ए कान खोल के सुन लो, आज की बात कोई विवाद इस घर के बाहर नहीं जाएगी बिना पूछे, समझे? और अगर गई तो याद रखना मुन्ना का हाथ बहुत भारी है। जो करना है कर लो, अब तो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ से निकल जाऊंगी, बस एक बार कंपटीशन जीत जाऊं। अरे भाई वो एक बात बताना तो भूल ही गए, वो आपकी जो सर थी ना, वो हमने कंपटीशन वाले को बता दिया है। कहा गए? अरे साफ साफ कह दिया हमने, अगर हमारे घर में कंपटीशन होगा तो 3 जजों में से 1 जज हमारा होगा। वो जज होंगे भाई, जज की कुर्सी में बैठने के लिए तैयार हो जाओ। सारा मूड फ्रेश कर देता है। अरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई के लिए कुछ तो करेंगे ही। हम नहीं लेंगे हिस्सा, कोमल वहां पर जज है। भगवान ना बाबा ना, बाकी हमारी जिंदगी रही तो जी लेंगे जैसे तैसे, अगर कोमल ने हमको वहां देख लिया ना तो हमको मार ही डालेगा। आप इतना क्यों डर रही हैं? हम उन्हें पता ही नहीं चलने देंगे कि आपने भी कंपटीशन में हिस्सा लिया और आपको पता है कि वो भी जज है। जब सीधे कंपटीशन में आपके सामने आएंगे तो आप ध्यान ही मत दीजिएगा, और भी तो लोग होंगे कंपटीशन में, उनके सामने कुछ तो लिहाज करेंगे ना, और भी तो औरतों ने हिस्सा लिया है इसमें। ना बाबा ना, हमको बहुत डर लगता है उससे, हम नहीं हिस्सा लेंगे। ये डर ही तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर इससे नहीं लड़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप डरिए मत, अगर उन्होंने आपसे कुछ कहा तो आप कह दीजिएगा कि ये सब आप उन्हीं के लिए तो कर रही हैं, और जब आप एक बार हिस्सा ले लेंगे कंपटीशन में फिर वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और फिर मैं भी तो आपके साथ हूं ना। तू नहीं जानती हमारे बेटे को, बहुत बदमाश है वो, किसी की नहीं सुनता, किसी का लिहाज नहीं करता, और ये सब ना उसको शुरू से पसंद ही नहीं है। नहीं, हम तो इस खतरे में नहीं पड़ेंगे भैया, बल्कि हम तो तुमको सलाह देंगे कि तुम भी इस खतरे में ना पड़ो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ अब बिना मतलब डर रही है। बिना मतलब है? अरे हमने देखी है उसकी करतूते, जो उसको पसंद नहीं ना वो सब बर्दाश्त भी नहीं करता। भगवान के लिए तुम यहाँ से चली जाओ, वरना कोमल ने देख लिया ना तो जो मुसीबत कल आने वाली है वो अभी यहाँ आ जाएगी। जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ जाओ। गुलाबू जी, आप हिस्सा लेंगी और जरूर लेंगी, ये अब मेरी जिम्मेदारी है।
यही तो वो पेपर्स हैं। हमारा आधा काम तो हो गया। हाँ बे, हम जज हैं और हम डिसाइड करेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो टेंशन मत ले। अरे मुन्ना, तू यहां क्या कर रहा है? और ये हमारी अलमारी में क्या ढूंढ रहा है? भाई वो पैसे चाहिए थे तो आप बाहर थे तो हमने सोचा काहे आपको डिस्टर्ब करें, खुद ही ले लेते तो पैसे ही ढूंढ रहे थे। भाई वो आपकी पॉकेट से कुछ गिर गया है नीचे। शुक्र है हमने कोमल के आने की आहट सुन ली और मोबाइल में इन पेपर्स की फोटो खींच ली। अब आदिबाजी अपने हाथ आ गई है और जल्द इस कोमल को उसकी औकात दिखा देंगे और हमेशा के लिए इस घर को इससे आजाद करा के अपनी मैडम जी को न्याय दिलाएंगे। कहाँ है रे? कुछ भी नहीं है। हमें तो लगा कुछ नीचे पड़ा हुआ है। अब तो कहाँ कह रहा था? तुमको पैसा का जरूरत है मुन्ना, तुम इस घर का बेटा बन के रह रहे हो, ऐड ससुरों से पैसा। हाँ वो तो है भाई, लेकिन अब सच बता, कहाँ ढूंढ रहा था? अरे क्या भाई यार, हम आपसे झूठ बोलेंगे क्या? पैसे ही चाहिए थे, पैसे ढूंढ रहे थे और क्या। कमाल है भाई, छोटे भाई पे शक कर रहे हैं आपको, अच्छी बात। हाँ भाई, पूछ तो ऐसे रहा है जैसे पहली बार देख रहा है, इसी के लिए पैसे ढूंढ रहा था ना। अब तुम भी कहा कर, बहुत दिन होएगा वहां, तोरा पॉकेट भी खत्म होएगा वहां। आजा, होगी तोरा परेशानी दूर, लेते हैं चुस्को। आजा भाई वो हम। अरे आ मुन्ना, बैठ यहां। अब काय खड़ा है? हमको पता है तो इसके लिए परेशान हो रहा था ना। अभी हम कहें हमारा मुन्ना ये अलग अलग कैसे लग रहा है? तू भी कहा करे, चीज ही ऐसी है। बेच उसकी। कहा सोच रहा है? अरे चल चल भाई, भाई आपको तो पता है कि हम आपके सामने नशा वसा नहीं करते हैं, हम अपने कमरे में जाकर करते हैं ना। अरे कहा कमरे में जा रहे हो मुन्ना? ये कमरा है तेरा, ये भी तोहरा ही कमरा, चल मार चुस्को। भाई वो आपके सामने करेंगे तो मजा नहीं आएगा, हम कमरे में जाके करते हैं ना। हम तोहरा भाई है, कोई भगवान नहीं। सॉरी मैडम जी, मुझे जबरदस्ती ये सब करना पड़ रहा है, अगर नहीं करूंगा तो उसे शक हो जाएगा। अरे चल, एक चुस्की तो लेना पड़ेगा हमारे सामने। अरे चल लगा, ये हुई ना बात। धनाम, एकदम कड़क सॉलिड माल है। पहले बताए थे हम, थोड़ा भाई छुट्टा मुट्टा काम नहीं करता है। ये ले जा। थोड़ा संभाल के, हाँ कड़क माल है, मिलता नहीं आसानी से।
काश आज तुम मेरे साथ होती सुमित्र। तो अपने जीतने पर मुझे कोई संदेह नहीं होता। आज तुम मेरे साथ हो। मिस कर रहे थे। हम तो हमेशा आपके साथ हैं मैडम जी, और हमेशा रहेंगे। मुझे छुआ कैसे? मैडम जी क्या हो गया आपको? मैंने कहा था ना कि मुझे हाथ मत लगाना। मैडम जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अरे भाई तुमने मुझे, अगर मुझे हाथ लगाओगे तो आज जब नहीं करियो। हम आपके पति हैं मैडम जी, आपका प्यार। हाँ मैडम जी, हम जिंदा मरने वरने का तो सिर्फ हम नाटक कर रहे थे। चाहकर भी आपको बता नहीं पा रहे थे कि हम सुमेंद्र, लेकिन अब हम खुद को नहीं रोक सकते। पास रहकर भी आपसे दूर नहीं रह सकते मैडम जी, आपके प्यार के लिए तरस गए मैडम। खबरदार अगर आगे बढ़ी तो वहीं रुक जाओ, वरना आपकी बार ये डंडा तुम्हारे सिर पे पड़ेगा। जान ले लो कि तुम्हारी मैं अपने आप को सुमित्र बताकर मेरे करीब आना चाहती हूँ, मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो तुम। बात पे यकीन कीजिए मैडम जी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सुमित्र। तुम मेरे सुमित्र कभी हो ही नहीं सकते। मेरा सुमित्र कभी कोई नशा नहीं करता था। खुद से नहीं किया मैडम जी, कौन ले। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मुझे कोई तुम्हारे भाई भाई की बात नहीं सुनी। मेरे इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश मत करना। तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है ना, उससे तुम लोगों के प्रति इतनी नफरत है मेरे अंदर कि पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी। इससे पहले कि मेरा गुस्सा फटे, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी शक्ल तक मैं नहीं देखना चाहती हूँ। जाओ यहाँ से, जाओ। अरे तो माल लेके पहुंच जाओ, बाकी के इंतजाम हम करते हैं। टेंशन काहे ले रहे हो? हे सरोजनी, ए तुम आदर्श गृहिणी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हो ना, बहुत अच्छा किया। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हमको पूरा यकीन है कि ये प्रतियोगिता तुम्हें जीतोगी। बाकी अगर तुमको कोई दिक्कत आए ना तो तुम सुमेंद्र को बोलना, वो तुम्हारी हर चीज की तैयारी में बड़ी मदद करेगा। अच्छा संझा का वक्त हो गया है, हम अभी संझा बाती करके आते हैं, हैं? हम सुने हैं जो औरतन का बनरिया नाच कंपटीशन हो रहा है, उसमें तुम हिस्सा ले रही हो? हाँ, और ये कंपटीशन भी मैं ही जीतूंगी। जीतोगी तो तब जब हम हिस्सा लेने देंगे तुमको। लेकिन तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? हिस्सा तो मैं ले रही हूँ,
फिर तुम्हें क्या तकलीफ है? हमारा घर की औरतें ऐसा किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेती हैं। यहाँ पूरा समाज के सामने बेशर्मों की तरह प्रदर्शन करना पड़ता है। शायद एक बात तुम भूल रहे, मैं तुम्हारे घर से नहीं हूँ। हमारा घर में तो रह रही हो ना, इसे समझा रहे हैं। और अगर ये बात हमारे घर के किसी भी औरत ने सोची भी होती ना, उसका टांग तोड़ देते हैं। वैसे भी कहा करोगे तुम हिस्सा लेंगे? एक आदर्श गृहिणी तो तुम बन नहीं पाए, अपने पति को नहीं बचा पाए, तुम्हारा ससुरा तुम्हारी वजह से जेल में है, तुम्हारा घर बिखरा हुआ है। अरे कौन असली है कौन नकली है ये सब जानते हुए भी पूरा घर से छिपा रही हो। अपने पति की 13वीं तक नहीं कर पाए तुम, वो यहीं कहीं भटक रहा होगा भूत बन के। काहे की आदर्श गृहिणी हो तुम बताओ? अरे तुम तो बिना हिस्सा लिए ही हार गई बे। तुम जो कह रहे हो उसका जवाब भी तुम्हारे ही पास है, और जिस चीज का जवाब नहीं है ना, उसका जवाब समय देगा। लेकिन ऐसे बिना मैदान में उतरे तुम मुझे फेल नहीं कर सकते। पहले मुझे हिस्सा लेने दो, फिर मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं ये तुम भी देखोगे और समाज भी। चैलेंज? अच्छा है, हमका चैलेंज पसंद है। ठीक, तुम लो हिस्सा, जज तो हम ही बने हैं, देखते हैं कैसे जीतती है। लगा ले अपना एड़ी से चोटी तक का जो, जीत नहीं पाओगे तुम। जो करना हो कर लो, अब तो हिस्सा मैं भी लूंगी और तुम्हारी माँ भी, फिर बात करेंगे। दिए हो पुलिस को, क्या तरकीब लगाए हो? पुलिस सोच भी नहीं सकती कि माल आपने यहां रखा है। चल चल काम कर चल। चिल्लाना मत, उन्हें हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब यहां पर क्या चल रहा है? ये लोग कौन है? ये सब भूत हैं। अब तुम कौन होती हो पूछने वाले? यहां अपना औकात में रहकर बात करो। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, बता दो ये लोग कौन है वरना मैं घर में सबको जगा दूंगी। अरे तो कुछ नहीं, हमारा कुछ जरूरी सामान। लेकिन ये घर है, कोई गोडाउन नहीं है जो यहाँ रखवा रहे हो? हाँ बताया गोदाम नहीं है। ये घर को घर बना के पूछने से हमारा बिजनेस होगा का? अरे हमारा गोदाम फ्री नहीं है अभी, तुम सोचे हमारा सामान यहाँ रखवा देते? लेकिन इन बक्सों में है क्या? ए, मैडम ये ज्यादा रोक टोक तुमका बहुत महंगा पड़ सकता है, बता रहे हैं हम। तकिया में मुंह दबा के जाके सो जाओ। चलो ये तो गुड़िया है। ये सब क्या हो रहा है भाई? Thank you.
अरे वो अंकल जी हमारा इन घुड़ियों का बिजनेस है और हमारी अम्मा इनका कपड़ा सिलती है। माल मंगा लिए थे, गोदाम में जगह था नहीं तो हमने सोचा और कहाँ रखें, हम यहाँ ले आए। अरे अरे वो गुड़िया ही है या कुछ और? तो कोई कोमल जी के सामान को हाथ लगाए उन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्यों दखलंदाजी कर रही है? मैं अपना काम करने दीजिए ना। हेलो भाई, अभी नहीं तो बाद में ही सही, लेकिन मैं पता लगा कर रहूंगी कि इन गुड़िया में क्या है।